अगर आप लेना चाहते हैं एक जर्मन शेफर्ड डॉग्स तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में आपके जर्मन शेफर्ड डॉग के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आई लव डॉग्स, तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग का ओरिजिन जर्मनी से है। जर्मन शेफर्ड को सभी कंट्रियां अपनी आर्मी में जरूर रेट करती है, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति है और इनके कान इतने तेज होते हैं कि थोड़ी सी भी हलचल को फौरन समझ जाते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग अटैक बहुत तेज करते हैं, इसलिए इन्हें एज अ गार्ड डॉग भी यूज किया जाता है। जर्मन शेफर्ड डॉग में कलर कॉम्बिनेशन भी काफी मिल जाता है, जैसे कि इसमें ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड रेड। जो ब्लैक एंड रेड है वो सबसे ज्यादा बिकता है, और फेडेड बी कलर और ब्लैक कलर भी इसमें आता है। जर्मन शेफर्ड डॉग में एक वाइट कलर भी आता है जो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेबी है, छोटा बेबी है, तो आप जर्मन शेफर्ड डॉग तब भी ला सकते हैं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड डॉग बहुत ही फ्रेंडली डॉग होता है, बच्चों के साथ आसानी से रह लेता है। अगर आप सोचते हैं कि जर्मन शेफर्ड डॉग ज़्यादा अटैकिंग होता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो अटैकिंग के साथ साथ बहुत ही फ्रेंडली डॉग भी होता है, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रह सकता है। जर्मन शेफर्ड डॉग का माइंड बहुत शार्प होता है। जर्मन शेफर्ड डॉग को अगर आप कोई ट्रिक सिखाते हैं या उसे ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत कम बार में ही वो सीख जाता है। आपके दो तीन बार उसे सिखाने पर वो चौथी बार खुद ही करने लग जाता है। जर्मन शेफर्ड डॉग बहुत ही बेस्ट डॉग होते हैं और ट्रेनिंग को भी आसानी से सीख जाते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग की तीन पहचान बहुत ही अच्छी है। इनके कान हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं, और जो पैर रहते हैं वो नीचे की तरफ बैंड होते हैं, और जो इनकी टेल होती है वो भी नीचे की तरफ ही होती है, कभी भी घुमावदार नहीं होती है। तो आप ये सभी देख के थोड़ा जर्मन शेफर्ड लें और अच्छे डॉग सेलर के यहाँ से लें। इस फोटो में हमने आपको एक मिक्स जर्मन शेफर्ड भी दिखाया है। देखिए, इसके कान नीचे की तरफ है, कॉम्बिनेशन पूरा जर्मन शेफर्ड की तरह है। डबल कोट जर्मन शेफर्ड के बाल बहुत झड़ते हैं, अगर आप इनकी समय पर शेडिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड में ये प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आप जर्मन शेफर्ड डॉग की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके फूड को आपको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसे फूड अच्छा देना पड़ेगा, और आपको चिकन नॉन वेज भी उसे खिलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक हेल्दी जर्मन शेफर्ड बन पाएगा। अब अगर आप एक जर्मन शेफर्ड डॉग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जर्मन शेफर्ड डॉग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप डॉग लाने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि डॉग अगर आपके पास आया तो आपको उसे अपने बच्चे की तरह उसकी केयर करनी होगी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड डॉग आ गया तो 10-12 साल तक वो आपके साथ रहेगा, और जर्मन शेफर्ड डॉग की एज भी ज़्यादा हो सकती है। वो आपकी केयर के ऊपर है कि आप उसकी किस तरह से केयर करते हैं। आशा करता हूँ सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो अबाउट में जाके मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरी मेल आईडी दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, कोई भी डाउट हो। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।